हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेक अनबॉक्सिंग। तो आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे डॉग ओनर्स के लिए, क्योंकि मैं आज आपके डॉग के लिए लेके आया हूँ एक सुपर फूड जो कि आपकी डॉग की हेल्थ को काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा और इसकी एनर्जी को भी काफी ज्यादा बूस्ट कर देगा। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है ब्लीप। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे 3 डिफरेंट मैंने पैक बाय किए हैं और इसका एक मैंने स्मॉल पैक भी बाय किया है। ये सारा मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। और ये प्रोडक्ट मैं अपने डॉग के लिए लास्ट फ्यू वीक से यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। और इस प्रोडक्ट की सबसे मेन खासियत ये है कि आपका ये सुपीरियर क्वालिटी ह्यूमन ग्रेड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और इसमें आपको कोई भी प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स देखने को नहीं मिलेंगे और साथ साथ ये ग्लूटेन फ्री भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको टोटल 5 डिफरेंट फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे। तो मैंने बाय किए इनके 3 फ्लेवर्स, चिकन जूक, चिकन ब्रोकली और चिकन पम्पकिन। ये मेरे डॉग को स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने इनके बड़े पैक बाय कर लिए हैं। तो अगर आपने डॉग के लिए ट्रायल पैक बाय करना है तो वो भी आप बाय कर सकते हो। आपका 6 का पैक आपको देखने को मिलता है। आप देखते हो इसमें आपको चिकन और जूक के आपको 2 देखने को मिल जाएंगे और उसके बाद आपको चिकन और पम्पकिन के 2 देखने को मिल जाएंगे और उसके बाद इसमें आपको चिकन और ब्रोकली के भी आपको 2 देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने ट्रायल पैक बाय करना है तो आप ये भी बाय कर सकते हो। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसमें आपको 3 डिफरेंट फ्लेवर्स देखने को मिल जाएंगे। जो आपके डॉग को ज़्यादा पसंद आएगा उसका आप बड़ा पैक भी बाय कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो ये आपके 300 ग्राम के पैक है। इसमें आपको 100 ग्राम, 200 ग्राम और 300 ग्राम के पैक मिल जाएंगे अगर आपने इंडिविजुअली बाय करने हैं ये। तो चलिए आप डिस्कस कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या इंग्रीडियंट्स देखने को मिलेंगे और जितने भी आपको इसमें इंग्रीडियंट्स देखने को मिलेंगे वो सारे इजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। मतलब इसमें क्या क्या इंग्रीडियंट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि अदर जो आपके फूड ब्रांड्स होते हैं उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं या प्रिजर्वेटिव होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता, मगर मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको जो नेचुरल इंग्रीडियंट्स देखने को मिलेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चिकन और पम्पकिन फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो इंग्रीडियंट्स देखने को मिलेंगे वो आपके चिकन, पम्पकिन, एग, स्वीट पोटैटो, कैरेट, स्पेनिच, फ्लैक्सीड, सनफ्लावर और फिश ऑयल। बस इसमें आपको यही देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई भी प्रिजर्वेटिव या केमिकल आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा और ना ही इसमें आपको कोई शुगर देखने को मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं हमारे जो चिकन और जूक फ्लेवर है, इसमें आपको चिकन देखने को मिल जाएगा, जुकीनी आपको देखने को मिल जाएगा, एग, स्वीट पोटैटो, कैरेट, स्पेनिच, फ्लैक्सीड, सनफ्लावर ऑयल, फिश ऑयल, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं इसमें आपको चिकन ब्रोकली फ्लेवर में आपको देखने को मिलेगा, चिकन, ब्रोकली, एग, स्वीट पोटैटो, कैरेट, स्पेनिच, फ्लैक्सीड, सनफ्लावर ऑयल, फिश ऑयल, ये आपको सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसमें देखने को मिलेंगे जो कि आपकी डॉग की हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और इसके जितने भी सारे फ्लेवर हैं ये सारे ग्रेन फ्री आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब इसमें आपको वीट, राइस, मिलेट ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसमें आपको सिंपल मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप डिस्कस कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे आपके डॉग के लिए। तो सबसे पहले मेन बेनिफिट इसका ये है कि आपकी डॉग की हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देगा और साथ साथ उसकी एनर्जी को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देगा। और सेकेंड मेन पॉइंट इसका ये है कि आपके डॉग की डाइजेशन को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। और थर्ड मेन पॉइंट इसका ये है कि आपकी डॉग की वेट मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें आपके जैसे कि आप देख सकते हो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं जैसे कि आपका कैरेट, स्पेनिच, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए हैं जो कि आपकी डॉग की वेट मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ जब आपकी डॉग की हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेट विजिट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, डॉक्टर पर आपको रेगुलर विजिट नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके जो डॉग के कोट को भी काफ़ी ज़्यादा शाइनियर और स्मूदर बना देगा ये। और इसको डॉग की डाइट में ऐड करने से इसकी जो पूप है वो भी लेस स्मेली हो जाएगी। और अगर इसको हम कंपेयर करें किसी अदर ड्राई फूड से, उसमें आपको प्रिजर्वेटिव देखने को मिलेंगे, केमिकल्स देखने को मिलते हैं और आपके जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो होता है। उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडिड होते हैं, कलर्स एडिड होते हैं जो कि आपकी डॉग की हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। अगर हम कंपेयर करें इससे, इसमें आपको सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलेंगे और ये आपका बना होता है फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट से और साथ ही साथ इसमें आपको चिकन ब्रेस्ट का यूज़ किया गया और इसमें कोई भी आपके प्रिजर्वेटिव या केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया और इसमें बिल्कुल भी आपको शुगर देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ ये ग्लूटेन फ्री है और इसको यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसके बैक पे ब्लीप डाइट अडॉप्शन चार्ट आपको प्रोवाइड किया गया है। ये रिकमेंड करते हैं कि आपका 9 डेज ट्रांजिशन पीरियड आप यूज़ करें, मतलब 9 डेज के लिए आप इसको यूज़ करें। तो सबसे पहले इन्होंने दिखाया गया कि 1 to 2 days में आप 10% डेज की टोटल डाइट का और उसके बाद 3 to 4 days में इसको आप 25% कर दें और 5 to 6 days में आप इसको 50% कर दें और 7 to 8 days में इसको 75% कर दें और 9th day पे आप इसको 100% ब्लीप आपका जो ये फूड है ये आप यूज़ करें। और हम बात कर लेते हैं जो चिकन और पम्पकिन फ्लेवर है, इसमें आपको 48% प्रोटीन देखने को मिलेगा 100 ग्राम ड्राई वेट में। और जो हमारा चिकन और जूक फ्लेवर है, इसमें आपको 47% प्रोटीन देखने को मिलेगा 100 ग्राम ड्राई वेट में।
और जो हमारा जो थर्ड है चिकन और ब्रोकली फ्लेवर, इसमें आपको 49% प्रोटीन देखने को मिलेगा 100 ग्राम ड्राई वेट में। तो इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी है, सिंपली आप अपने डॉग के फूड में भी ऐड कर सकते हो या आप इसको डायरेक्टली भी फीड कर सकते हो, और इसके जो बैक में फीडिंग गाइडलाइंस है वो भी आप इजीली चेक कर सकते हो कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे डॉगी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है जो हमारा चिकन और पम्पकिन वाला फ्लेवर है। इसने एक मिनट भी नहीं लगाया, पूरा जो इसका बाउल था इसने बिल्कुल क्लीन कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसको ये बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं तो आपको मस्त रिकमेंड करूँगा कि आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर ट्राई करना चाहिए अपने डॉग के लिए, क्योंकि इसकी ये डॉग की हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। बस कर वो भी ख़त्म हो गया इसमें, अभी दूंगा और सिट और सिट 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 सिट। तो मैं जैसे कि आपको कह रहा था कि आपको ये अपनी डॉग की डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए, बहुत ही ये यूज़फुल प्रोडक्ट है, आपकी डॉग की हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा और साथ ही साथ इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी बना देगा, और इसका जो कोट है वो भी काफ़ी शाइनियर कर देगा। तो अभी जाएं इस प्रोडक्ट को बाय करें, अमेज़न का और इनकी वेबसाइट का लिंक दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।